हाय गाइस, तो हम सरयू नदी के पास पहुंच चुके थे और सरयू माता जी की आरती स्टार्ट हो चुकी थी। हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कोई बात नहीं, हमें सरयू माता जी की आरती में शामिल होने का मौका मिला। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जिनको भी अयोध्या के सरयू नदी के बारे में नहीं पता है, तो उनको मैं सरयू नदी के बारे में बताना चाहती हूँ कि सरयू नदी वही नदी है जहाँ पर राम जी ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी में ही राम जी ने अपनी सारी लीलाएं समाप्त कर दी थी, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ जी उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सरयू माता को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जल किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ेगा। इसलिए सरयू नदी का जल मंदिरों पे नहीं चढ़ाया जाता है। सरयू नदी का एक और नाम है, तो सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी के पास बैठकर हमने सरयू माता जी की पूरी आरती देखी। फिर नदी के सामने ही हमने देखा कि बहुत लाइटिंग लगी हुई थी, तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था और उस पर्दे पर रामायण चल रहा था। तो गाइज, आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे में रामायण दिखाई जा रही थी, जो कि हमें देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की लाइटिंग भी आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी लाइटिंग थी। कैमरे पे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये सामने से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। गाइज, अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, तो शाम के समय सरयू नदी के पास आना बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर आने का अनुभव भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। हम यहाँ पर काफ़ी देर रुकना चाहते थे, पर हमें हनुमानगढ़ी भी जाना था, क्योंकि हनुमानगढ़ी के हमारे दर्शन नहीं हुए थे और नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। मॉर्निंग में भीड़ की वजह से हम नहीं जा पाए थे, तो हमें यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ा। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें रामायण पूरी देखनी थी, बट हम नहीं देख पाए। और फिर हम वापस से आ गए लता मंगेशकर चौक पे, जो कि सरयू नदी के पास में ही है, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ था। फिर हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बट थोड़ी सी भीड़ ज़रूर थी। थोड़ी सी भीड़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरे लास्ट व्लॉग में देखना कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मीन्स ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, इससे 20-30 गुना ज़्यादा भीड़ थी। तो फिलहाल हमें तो कम ही भीड़ मिली। तो गाइज़, अगर आप दिन में दर्शन ना कर पाएँ किसी कारणवश, तो आप शाम के समय आप दर्शन करने जा सकते हैं। आई होप गाइज कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। आगे के व्लॉग्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय गाइज।